हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टॉलीवुड अपडेट्स। इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलीबाबा दास्तान काबुल के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शिजान खान बहुत दिनों से पुलिस कस्टडी में है, तो निशा शर्मा के केस के रिवॉल्विंग। तो गाइज़ अब हम बात करें कि उनको बेल मिली या फिर नहीं। तो गाइज़ अब तक उनको बेल नहीं मिल पाई है। 13 जनवरी को उनकी बेल की हियरिंग थी, जो कि मुंबई के वसाई कोर्ट में केस वगैरह चल रहा था। तो गाइज़ उनको बेल रिजेक्ट कर दी गई थी 13 जनवरी को। बेल के लिए प्ली किया गया था लेकिन रिजेक्ट हो गई थी बेल। तो अब मैं आपको बता दूं कि शिजान खान जो है वो स्टिल अभी के लिए पुलिस की कस्टडी में है। पुलिस की जो भी इन्वेस्टिगेशन वगैरह है, तो निशा शर्मा के केस के रिवॉल्विंग, वो स्टिल सब चल रही है। तो गाइज़ शिजान खान की बेल के लिए अब बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दी गई है और ये होगी 30 जनवरी को। इसकी हियरिंग होने वाली है जो कि मंडे होगा। तो गाइज़ 30 जनवरी को अब इस पर हमें अपडेट मिलेगा कि क्या शिजान खान को बॉम्बे हाई कोर्ट की हियरिंग में बेल मिल जाती है या फिर से बेल रिजेक्ट हो जाती है। वसाई कोर्ट में बेल रिजेक्ट हो गई, उसके बाद अब बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग होगी और वहाँ पर भी देखते हैं बेल मिल पाती है या फिर नहीं मिल पाती है। यानी कि अब शिजान खान और तुनिशा शर्मा के केस पे हमें नेक्स्ट अपडेट जो है वो 30 जनवरी को मिलेगा और पता चल जाएगा कि शिजान खान को बेल मिल रही है या फिर से बेल रिजेक्ट हो रही है, यानी कि स्टिल पुलिस कस्टडी में रहना पड़ेगा या फिर वो बाहर आ जाएंगे। तो ये सब आने वाले हफ्तों में, दिनों में आपको पता चलता रहेगा, अपडेट्स वगैरह ज़रूर देता रहूँगा। अगर और भी कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए शिजान खान के फैंस के साथ, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहिए। और सारी लेटेस्ट अपकमिंग अलीबाबा दास्तान काबुल, सब टीवी, शिजान खान, तुनिशा शर्मा का जो भी केस है, उसके अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।